गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि लर्निंग लाइसेंस अगर आपका खो गया है, नहीं मिल रहा है, तो आप किस तरीके से अपने मोबाइल से लैपटॉप से पता करेंगे कि आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है parivahan.gov.in, इसका ऑफिशियल पोर्टल होता है। तो सबसे ऊपर ही इसका ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, आपको एक नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन सर्विसेज का, यहाँ पे इसमें आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो ये आपके स्टेट के ऑफिशियल पोर्टल पर ले जाता है। ऐड को स्किप करेंगे, फिर यहाँ पे आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे कि अदर्स का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे नीचे आएंगे तो फाइंड एप्लीकेशंस नंबर का ऑप्शन मिल जाता है, क्लिक कर देंगे। स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी स्टेट है अपना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से सिलेक्ट RTO, RTO ऑफिस यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जहाँ आपने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। RTO ऑफिस सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको नाम फिल करना है अपना, फ़र्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे, मिडल नेम है तो भरे, नहीं तो खाली छोड़ दें। लास्ट नेम जो है यहाँ पे हम फिल करेंगे। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं डेट ऑफ बर्थ पे, डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर इसमें से हम अपना डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर जो आपने लाइसेंस के आवेदन के समय दिया था वो नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे कैप्चा भरेंगे, कैप्चा समझ में अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। फिर यहाँ पे हम सेम कैप्चा यहाँ पे भर के फिर फॉर्म को हम सबमिट करेंगे तो आपको ज़रूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाता है। चलिए कैप्चा भर दिए, कुछ देर रिफ्रेश होगा और फिर यहाँ पे आपको ज़रूरी जानकारी यहाँ पे शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे दो बार लर्निंग लाइसेंस के लिए उसी नंबर से आवेदन किया गया है। तो चलिए हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दे रहा है और क्या क्या इसमें शो कर रहा है। लाइसेंस में एप्लीकेशन नंबर वगैरह, यहाँ पे OTP भेज दिया गया है आपके इस नंबर पे। लास्ट में नंबर देख सकते हैं, दिखा रहा है 4 अंक का। OTP भरने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पर भी आपका जानकारी शो करने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जानकारी आ गया है, फ़ोटो नॉट अवेलेबल बता रहा है। बाकी एप्लीकेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और RTO का नाम यहाँ पे शो कर रहा है आपका, देख सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन से संबंधित और कुछ जानकारी यहाँ पे आपका शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक दूसरा भी यहाँ पे शो कर रहा था मेरा लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन। तो चलिए हम बाइक आ जाते हैं और दूसरा वाला यहाँ पर चेक कर लेते हैं। गेट डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं, इस नंबर पे OTP सेंड कर दिया जाता है। OTP यहाँ पे हम दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा देर प्रोसेस होगा और यहाँ पे आपका पूरा जानकारी शो हो जाता है और टोटल आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है, लर्निंग लाइसेंस नंबर और भी जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो सब यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पे शो हो जाता है और ऊपर आपका लर्निंग लाइसेंस नंबर और एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से अपना लाइसेंस नंबर ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें क्योंकि इससे संबंधित नहीं।